जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ। विषय एक अद्भुत मंत्र, जो मंत्र आप लोग कभी नहीं सुने, राजमुखी वशीकरण सम्मोहन मंत्र प्रयोग। एक साधना है ये, ना टोड़ना है ना टोटका है, ठीक है, एक साधना है। इसीलिए ये प्रयोग मैं यहां पे डाल रहा हूं। ये उपाय कौन कौन लोग कर सकते हैं? ये उपाय विद्यार्थी कर सकते हैं, ये उपाय परीक्षार्थी कर सकते हैं, ये उपाय इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं सफल नहीं हो रहे वो लोग कर सकते हैं, ये उपाय पति पत्नी कर सकते हैं, प्रेमिक प्रेमिका कर सकते हैं, बॉस को वशीकरण करने के लिए कर सकते, सास बहू में लड़ाई अनबन झगड़ा है, किसी रिलेशन में किसी परिवारजन के साथ कोई अनबन चल रहा है वो एक्स वाई को कर सकते हैं, वाई एक्स को कर सकते हैं। किसी भी समय में किसी भी परिस्थिति में ये किया जा सकता है। बहुत सुंदर बहुत अद्भुत मंत्र प्रयोग मैं डाल रहा हूं। देखिए मंत्र को, क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये मंत्र आप लोगों को मिला? अगर मिला तो कमेंट करके बताइए किसी ने, किसी भी बाबा ने क्या ये मंत्र आप लोग इससे पहले दिया। आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूं। अभी जब तक आप लोग ये उपाय को समझेंगे नहीं तो सही से कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले उपाय को समझ लीजिए, वीडियो को देखिए। वीडियो तो बना रहा हूं मैं मेहनत करके, आप लोगों को कुछ मेहनत तो लग नहीं रहा है। ईयरफोन लगाइए, वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद अप्लाई। ये मंत्र साधना में आप लोगों को माला अगर इस्तेमाल करते हैं तो माला रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माला है। माला लेकर विधिवत सर्वप्रथम इस मंत्र को 11 दिन तक जाप कर ले, पार डे 1008 बार। खाने पीने का विचार नहीं है। इस मंत्र को निर्दिष्ट एक समय रखें, अगर रात को 10 बजे तो रेगुलर रात को 10-11 बजे तक बैठने की कोशिश करें, सुबह करें तो एक टाइम रखकर इस मंत्र को जाप करके संपन्न कर ले। इस मंत्र को लगातार जाप करते हुए जाना है। 11 दिन समाप्त होने के बाद, 11 दिन समाप्त होने के बाद आप लोगों को शक्कर से हवन करना है। जैसा शक्कर से हवन मैं करता हूँ, भाई बहनों आप लोग देखे है, मैं पूजा करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, और जब भी मेरा पूजा रहता है, मैं पूजा हर वीडियो तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, तो मंत्र डालता हूं चुरा लेता है भाई। अगर मेरा जो यूनिक थ्योरी है, मेरा जो सिस्टम है, अलग सिस्टम, मैं मेहनत करके पूजा करता हूं, परिश्रम करता हूं, सामने आकर कोई देखेगा तो जो बोलेगा जहां तंत्र गुरु कुछ कर रहा है इतने समय 7 घंटा 6 घंटा क्या कर रहा है, क्या किया वो जानेगा जो सामने आकर कभी देखेगा। तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो में अपना थ्योरी, अपना सिस्टम, अपना मंत्र अनुष्ठान को दिखाता नहीं। और ऐसा ऐसा वीडियो मैं देखता हूं जो बाबा अपने शिष्य को वीडियो में लाइव पूजा सिखा रहे। भाई और बहनों, बाबा को तो खुद को कुछ नहीं आता है। बाबा सिर्फ सीखा है जल समर्पयामी, अक्षत समर्पयामी, ये समर्पयामी, वो समर्पयामी। भाई समर्पयामी बोले से पहले समर्पयामी को लेकर वीडियो पर इसके समर्पयामी के अलावा बाबा कुछ नहीं। ये सब बाबा सिखाते, ये सब लोग जाकर बाबा के पास सीखते भाई, और क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कोई ये बोल नहीं पाएगा जो तंत्र गुरु ने कोई गलत काम किया, कोई भूल किया, कोई उच्चारण में भूल किया, या सिस्टम गलत तंत्र गुरु ने गलत अप्लाई कर दी, ये कोई बोल नहीं पाएगा। ये लोग को थोड़ा शर्म नहीं लगता है जी, एक यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आकर लोगों को गलत चीज दिखाता, सामने वाला क्या सोचेगा? ये बंगला में कहावत है, वो कहावत मैं आप लोगों को दोहराता हूँ, जो बंगला में बोलते हैं, जिसका जार एक कान काटा से थोड़ा सा गली गली पकड़ के चलता है, यानी कि जिसका एक कान काटा हुआ है, कान अगर काटा हुआ है तो गली गली में जाकर, माने जो चीज के चोर, यानी कि जो ऐसा कर्म किया है जिसको अभी थोड़ा मुंह को छुपाना पड़ता है तो उसको एक कान काटा बोलते हैं, यानी कि चीज के चोर, यानी कि छोटा मोटा चोर, चिल्लर चोर, ठीक है। तो वो छुप छुप के जाएगा, गली गली पकड़ के जाएगा। जिसका दो कान कट गए, यानी कि जो बहुत बड़े आसामी है, जैसे आप लोग देखेंगे भारत के कुछ नेता लोग जब जेल से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मैं टीवी में देखता हूँ, बाप रे, देश को स्वाधीन करके आ रहा है, देश का कितना बड़ा काम किया है, हजारों करोड़ अरबों खरबों का घोटाला करके बोला भारत माता की जय। ये है दो कान काटा। ये लोग सीधा चलते हैं भरे समाज में सीना टान के, ये लोग सीधा चले, इसको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। ये इस टाइप के पब्लिक है,
इसको बांग्ला में बोलते हैं दुकान कटा, और बांग्ला में और एक शब्द है चोरेर मायर बड़ो गला, यानी कि जो चोर है वो और भी ज्यादा दिखाने के लिए इसको लात मारेगा, इसको भूसा मारेगा। अगर वो व्यक्ति खुद जाने जानता है कर्म, तो कभी भी एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को गलत शिक्षा नहीं देगा। आप लोग भी कभी देखेंगे सिर्फ कलश को आचमन करने के लिए भाई और बहनों कोसाकुशी बंगला में जब मैं स्थापन करके बैठता पूजा का समय, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कोसाकुशी स्थापन करके उसको जल शुद्धि करने का भी सही नियम पता नहीं, उसको आचमन करने का मुद्रा जो है ये मुद्रा भी उसको पता नहीं, ये गोकर्ण मुद्रा किसको बोलता है आचमन का, ये है कहानी। तो क्या बोलूं अभी छोड़िए, तो इस मंत्र को आप लोग को उठाना है। जब इस मंत्र को आप लोग उठा लेंगे शक्कर से हवन करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, देखिएगा आपका समस्या का समाधान होगा, मनोकामना पूर्ण होगा, आकर्षण शक्ति जरूर वृद्धि होगा। हवन करने के बाद पंडित को भोजन करवा के जरूर दक्षिणा दे, इसमें कंजूसी ना करें, इसमें कंजूसी ना करें। अगर कंजूसी करेंगे तो कर्म भी ऐसे ऑटोमेटिक कट जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अनुष्ठान करता है तो पंडित को या गुरु को जरूर दक्षिणा देना पड़ेगा, भोजन दक्षिणा और गुरु को कपड़ा आदि भेंट जरूर करना पड़ेगा। ये सनातन हिंदू धर्म का नियम है, मुझे भी करना पड़ा, मेरे गुरु को भी करना पड़ा, उनके गुरु को भी करना पड़ा। आप अगर नहीं करते तो भगवान शिव का आपके ऊपर कोई आदेश जरूर होगा, ठीक है ना। तो अभी इस तंत्र को अप्लाई करने से आत्मा आपका जो अंदरूनी शक्ति है आकर्षण शक्ति, तो मैं क्या बोलूं, अभी बिल्ली के जैसा आग चमकेगा नहीं, सिंग फिंग नहीं उतर जाएगा, आपका वाक्य जो बोल रहे हैं वो बोलने का शक्ति, बोलने से ही आकर्षण शक्ति होता है, छूने से आकर्षण शक्ति होता है, किसी को देखने से आकर्षण शक्ति होता है। ये जो शक्ति है ये विधि करेगा ये मंत्र, ये विधि करेगा ये मंत्र। कभी किसी को रास्ते चलते किसी को तो खिला तो नहीं सकते ना, किसी का बाल काट लेंगे, किसी का कपड़ा चोरी करके काट लेंगे, तो कैसे कोई किसी को देखता है। जैसे अजगर जब अपने शिकार को देखता है, अजगर का आंख देखकर ही सामने वाला शिकार वशीभूत या थोड़ा धीमा पड़ जाता है, उसका आंख ही ऐसा है। जब शेर के आंख में कोई अगर देखता है तो इंसान सहित हर जंतु जानवर शेर के आंख को देखते आंख से नजर हटा नहीं सकता है। काय शेर का आंख ही वैसा है, आकर्षण बहुत भरपूर। शेर का आंख को फोटो जूम करके देखिए, आंख को देखकर ही फोटो में ही आपको ऐसा लगेगा साक्षात शेर आपके आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा, तो आंख देखकर ही हिप्नोटाइज हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे, ऐसा है शेर का आंख। तो इसीलिए मैं आपको बोला, अगर ऐसा चमक चाहिए, ऐसा शक्ति चाहिए, ऐसा अंदरूनी शक्ति के जागृत करना है, तो आप लोगों को ये मंत्र को रेगुलर कंटिन्यू करते हुए जाना है, कम से कम 28 बार, ज्यादा 108 बार। ये रेगुलर करने से हर क्षेत्र, हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पर आप लोगों को सफलता, सफलता और सफलता ही मिलेगा, ये तंत्र गुरु का वादा है। इसमें भी एक विशेष पॉइंट मैं छोड़ के रखा, जिन लोगों को वो पॉइंट जानना है वो अपना चेहरा लगाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करे, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, दोबारा व्हाट्सएप पर जाए और मेरे चेले को जाकर बोले जी गुरुजी ने एक विशेष पॉइंट छोड़ के रखा था, वो पॉइंट क्या है। ये जो वीडियो है, वीडियो में एक कोड लिखा रहेगा, उस कोड को शेयर करे। आज के बाद अगर 2 साल बाद ये वीडियो कोई देखेगा तो याद तो नहीं रहेगा, कोड जैसे ही आप लोग बोलेंगे तो मेरा चेला आप लोगों को बता देगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद भी ना आए तो भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करे और मुझे थोड़ा धैर्य शक्ति प्रदान करे, ताकि तंत्र गुरु जी का वीडियो मैं समझ पाऊँ। मेरा वीडियो समझने के लिए राम का आशीर्वाद जरूरत है। आशा करता हूँ समझ में आया, नहीं तो मुझे भी दूसरे लोगों को जैसा बाल्टी नाभी और दीवार पर लिखकर वशीकरण का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा और नंबर का खेल भी मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। कंटेंट को समाप्त करता हूँ, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हरिओम तत्सत।